खेल का कार्यक्रम और ताराचंद घायल को याद नहीं करे, ये हो नहीं सकता। पूरा गांव मिलकर काम करे। लोटासरा जी द्वारा ट्रैक है पूरा और ओपन जिम है, निःशुल्क, अपनी कोई मतलब फीस नहीं है। पूरे गांव की मेहनत है, नवयुवकों की मेहनत है। मेरा जोग संजोग सेना के माध्यम से देश की सेवा करने का बना नहीं था। 3 दिवसीय कार्यक्रम चले, समापन तक इस काम की मिसाल रही है। काम जरूर पकड़ा है, लेकिन घुमा के पकड़ा है, लेकिन पकड़ा है, इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि खेल का कार्यक्रम और ताराचंद घायल को याद नहीं करे, ये हो नहीं सकता। नमस्कार, राम राम, रिपोर्टर दिलराज, और गांव है यालसर, और पीछे को जो को स्टेडियम थन दिख रहे है वो नजरियान को आ रही है, के सीकर को जिला स्टेडियम है, लेकिन वो यालसर गांव को स्टेडियम है, और पूरा गांव की मेहनत और लगन थे देख सको, पीछे पूरा ग्रास ग्राउंड है वो बनाए हुए, और लगातार 32 सालों आ क्रीडा प्रतियोगिता है, जबकि खेलकूद प्रतियोगिता है, फुटबॉल की, कबड्डी की लगातार आयोजन कर रहा है, और साथ में गोगा पीर को मेलो है जखो भी अटे भरा है, तो गाँव का गणमान्य लोग है। अनुपूछा ओ मेलो कदू स्टार्ट है, लगभग 32 साल जगह बता रहा हो कदू स्टार्ट है, और ओ जो खेलकूद प्रतियोगिता है एक बार हम भी थोड़ा बता दो। यो 15 अगस्त 1993 शुरू है, 32वां मेला है, और लगातार ये कृष्ण जन्माष्टमी पर गोगा नवमी पर बढ़ता है। 3 दिवसीय मेला, इसमें फुटबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स की प्रतियोगिता होती है, साथ में 12 से 20 गाँव की टीम आती है, और बहुत ही शानदार टूर्नामेंट होता है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात को सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, जिसमें कोटा और सवाई माधोपुर की पार्टी से रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। भाई जी, यान को ग्राउंड तो सिकरालो भी स्टेडियम भी एक बार फेल नजर आवे है, कहीं की मन लगे गांव का सगड़ा मिलर काम करता देखो। हाँ, पूरा गांव मिलर काम करे, पूरी हमारे ग्राउंड बनवाए उन्होंने, हमारे सरपंच जी की पूरी इंजीनियरिंग बुला की, पूरी की लेवलिंग खटाकी के बेबी के वार्ड में धूप लगाई, और पूरा गांव को बहुत बढ़िया सहयोग रहा है। भाई बात है कि भाई भाई में राडू जा जाना, वो जमीन को मंटवारो भी सही को नहीं हुए, और सगड़ा मिल बांटर चल रहे ना, गांव गांव राम है जो तो फिर अलग लेवल पर काम करी सके। हाँ, बिल्कुल, गांव पूरे एक जगह बना तो बढ़िया काम करे बिल्कुल। हाँ। और वो हाँ, गाँव के सहयोग से बठिन बहुत ही अच्छी गोगा पीर गौशाला है, और गांव में जो भी सेना की आसपास के गांव के सेना की भर्ती की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो सुबह 4:30 बजे ग्राउंड पे आते हैं, और लोटासरा जी द्वारा ट्रैक है पूरा और ओपन जिम है, इंडोर जिम है, इसमें निःशुल्क, अपनी कोई मतलब फीस नहीं है, कोई भी खिलाड़ी कोई भी धावक आओ, सुबह पहले रनिंग करो फिर जिम करो, बहुत ही पूरे ग्रामवासियों का बहुत ही अच्छा सहयोग। खेल कूद भाई बात है कि मन स्वस्थ तो शरीर स्वस्थ, और शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, मतलब वो ग्राउंड यहाँ लागे जाने जिला स्टेडियम हो गए, और खटा ना खटा हर गाँव के लिए प्रेरणादायक है कि इस आपको ग्राउंड खेलकूद और आगे बढ़ावाना चाहिए हमेशा। हाँ बिल्कुल सही है, तो क्या है कि पूरे गांव की मेहनत है, नवयुवकों की मेहनत है, और आस पड़ोस का गांव ही भी मेल के माने सहयोग करें भामाशा के रूप में, तो मतलब सैकड़ों गांव को योगदान है, भी के लिए वो मैदान तैयार हो रहे हैं। और भी भाई बात है, नया नया जगह टैलेंट आवे बन एक प्लेटफॉर्म मिले, क्या छोरा खेल को खेल वो कूद वो चाहे, लेकिन एक जगह को मिले यार कौन सा स्टेज पर जा रहा परफॉर्म करा, और अठैयान की जगह है क्या, अठे बच्चों है जो आगे जाबा खातर एक स्टेज मिल जाए, और भी एक टीम के रूप में एक अच्छो साथ मिल जाए, और गांव को यान को स्टेडियम मिल जाना तो और चाहिए। देखो बात उत्साह मेहर है हमारे गुगू जी महाराज की, लेकिन जी की बात बता रहा बी के बारे में ताना थी बता की संतोष ट्रॉफी का 2 बच्चा, अच्छा पूनिया का वास्को है एक बच्चो, तो वह दोनों ही बच्चा ट्रायल के लिए इजा ही आयडा है, और वो मारो गांव को सौभाग्य है, युवाओं को साथ है कि ई मैदान के माए हर महीने हर एक महीना सु आयोजन हो ही जाए है। अच्छा। चाहे वह कोई बैंक करावे, चाहे कोई संघ करावे, चाहे कोई क्लब करावे, लेकिन बच्चा काफी आ जाए है, हरियाणा तक का भी बच्चा अठे आवे है, और साथ में सौ बड़ी उपलब्धि मारी आ है ई ग्राउंड की कि महाराज का खिलाड़ी बंधु है, वह अनुशासित है, और वह पूर्णतः नियमावली को पालन करता हुआ पहले गोगा जी महाराज के मंदिर प्रांगण में जाएगा, बठासु धोक अर्चना आपको आशीर्वाद बांको प्राप्त करके इजा प्रवेश कर लिया, तो भी के बाद में हमारे खिलाड़ियों की एक ही भावना रहे, ये इनके इन प्रकार हर गांव के वासी की बात है, खिलाड़ी तो है ही है, लेकिन गांव को मारो अगर 60 साल को बुजुर्ग भी अठे आएगो तो वो कचरो अठे को नहीं करना चाहे, वो चुगनो ही चाची भी कचरा बी के लिए मैं गाँव को पूर्णतः आभार व्यक्त करूँ,
बिल्कुल आई चीज और सहयोग है और अब टीम है। शाहरा जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, रियाल सर में आकर के जो विकास न केवल रियाल सर में बल्कि लक्ष्मणगढ़ में कॉलेज हो, नेचर पार्क हो, सड़कें हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, जो रिकॉर्ड आपने पिछले 5 साल में विकास का रिकॉर्ड बनाया उसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं वो, बहुत बहुत धन्यवाद। और रियाल सर और आपकी पंचायत भी इस बात के लिए धन्यवाद है, विकास कोई सरकार के पैसे से जनप्रतिनिधि से हो जाता है लेकिन उसका मेंटेनेंस यहाँ आके मैंने तो देखा है, मैं समझता हूँ इसके लिए आप तमाम ग्राम वासी और ग्राम पंचायत वासी धन्यवाद के पात्र हैं। समझता हूँ अब जो आपने ताकत दी है उसका नतीजा है कि अभी जो पेंशन खत्म हुई थी तो देश के सरकार के कर्मचारी हो, राज्य सरकारों के कर्मचारी हो, हर कर्मचारी वर्ग उसके लिए प्रयास कर रहा था, जो 60 साल तक अपने जीवन के बहुमूल्य समय देता है निश्चित रूप से आगे भी उसका जीवन सुरक्षित हो, सामाजिक सुरक्षा हो, उसको एक समाप्ति की ओर कर दिया था लेकिन आज सरकार ने कान जरूर पकड़ा है लेकिन घुमा के पकड़ा है, लेकिन पकड़ा है इसके लिए भी धन्यवाद के पात्र हैं कि वापिस वो सामाजिक सुरक्षा करने का काम किया है, वो संघर्ष के माध्यम से हुआ है। मैं समझता हूँ 1 साल तक कोई बहुमत नहीं हो गया था संसद में लेकिन जनता सर्वोपरि है और उसकी ताकत है, मैं समझता हूँ वो अंग्रेजों को भी जाने के लिए मजबूर किया था, राजशाही और को भी जाने के लिए मजबूर किया था, इसलिए वो ताकत आप में है, उस ताकत को बनाए रखना, उस ताकत का एहसास कराना मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात है। आपके बीच में आने का गुगा बीच आयोजन समिति खेल और मेला समिति ने यहाँ अवसर दिया, इसके लिए मैं पुनः आयोजन समिति और ग्रामवासियों और ग्राम पंचायत का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, मेरी बात समाप्त करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। लोकप्रिय सांसद सीकर संसदीय क्षेत्र का मैं विधायक होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन। कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पंचायत समिति के प्रधान सम्माननीय मदन सेवदा जी, मेरे परम मित्र और पंचायती राज और खेल जगत के ब्रांड एम्बेसडर ताराचंद जी धायल साहब जो हमारे उपजिला प्रमुख है, पंचायत राज के इसलिए कि सबसे ज्यादा कंटिन्यू जिला परिषद में जाने वाले सीकर से ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी अगर आप गिनती करोगे तो शायद ताराचंद जी धायल का पहला नाम होगा। और उसके बाद में खेल के प्रति समर्पण का भाव, रात को 4 बजे आकर के कहीं से सोए और पता लग गया कि सुबह 7 बजे खेल है सीकर के किसी कोने में, और इनको अगर याद कर लिया, और याद तो करते ही करते हैं खेल का कार्यक्रम, और ताराचंद धायल को याद नहीं करे ये हो नहीं सकता, तो ये वापस 7 बजे उस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। इसलिए दोनों ही कार्यों में राजनीति में जरूर भाग्यशाली नहीं रहे, आगे जाने में हमारे साथ ही थे, हम यहाँ तक पहुंच गए, ये नहीं पहुंच पाए, लेकिन जिस क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं पंचायती राज का और खेल का उसमें हमसे कहीं आगे हैं, इसलिए मैं इनको भी साथ लेते हुए हमारी जिला अध्यक्ष बहन सुनीता गठाला जी और हमारी ग्राम पंचायत के सरपंच बिटिया सुचित्रा गढ़वाल और तमाम हमारे जनप्रतिनिधि सारे बैठे हैं, वो भी रामजी भामाशाह हैं और आप परमानेंट भामाशाह, जैसे ताराचंद जी ब्रांड एम्बेसडर है ना खेल के, वैसे परमानेंट भामाशाह हैं, हर वर्ष आप तो इनको याद कर लिया करो, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा। डीके शिव कुमार और डीके कसवा लक्ष्मणगढ़, ये दो पूरे देश में प्रचलित नाम है, तो डीके कसवा जी हैं और मेरे बहुत ही परम मित्र जिनका एक साथ हमारा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ था, बहुत ही मेरे परम मित्र जगदीश जी भोजी साहब, वो भी खेल के लिए जान लड़ाते हैं, हमेशा समर्पित रहते हैं, कोई भी काम इनको बता दो ये हमेशा आगे बढ़ करके उनकी मदद करते हैं। हमारा दोनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ था, मैं 1 महीने की आगे मियाद लेके आ गया कि मैं घर पूछूंगा, उस टाइम मोबाइल थे नहीं क्योंकि मैं कोठारी पढ़ता था और मेरे पिताजी कनेडी थे, तो जब मैं एयरफोर्स का टेस्ट देने गया था 81 की बात है जल्दी भाई 80 में गए थे, तो बहना जी ने मेरे पिताजी को कह दिया कि
पिताजी ने पूछा कि महाराज कहते थे बन्ना जी आज हमारे आश्रम सरदाना जी आश्रम के मुखिया है, तो उन्होंने कहा कि एयरफोर्स में तो भेज दो लेकिन ड्राइवर मत बनाए, ड्राइवर वाइज आज को भी हुआ अलग ही हुआ है। तो पिताजी ने कहा भाई इसके कॉमर्स है, उस टाइम 9th और 10th में सब्जेक्ट होता था, 9th में लेते थे, आजकल तो 12वीं में लेते हैं। तो मैंने सोचा कोई स्टोर कीपर या कैशियर बना देंगे, तो मैंने एग्जाम दे दी, पास हो गया, लेकिन मेरे को ड्राइवर में MTT ग्रुप बोलते थे शायद उसको, तो MTT में सिलेक्शन किया। तो मैंने कहा मैं भाई घर जाके पूछ के एक महीने बाद में आऊंगा, फिर अनुमति मिली नहीं। मेरा जोग संजोग सेना के माध्यम से देश की सेवा करने का बना नहीं था, केवल याद सर और लक्ष्मणगढ़ और प्रदेश के लोगों की सेवा करने का मेरे भाग्य में था, इसलिए मैं वहां नहीं जाके यहाँ रहा। अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि उसने काम कराए, अच्छे किए, वो किया, ये किया, ये मैंने कहाँ कराए, मैंने नहीं कराए। आप गांव वाले, आप पंचायत वाले, आप सब लोग कराने वाले हैं, आपके कारण से संभव हुआ है। अगर आप मुझे मौका नहीं देते तो मेरी कलम में ताकत नहीं देते तो हम काम नहीं कर पाते, हम कुछ दे नहीं पाते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप में एकजुटता नहीं होती, आप एक नहीं होते गांव के विकास के लिए, और आपका समर्पण इस गोगा पीर समिति के माध्यम से गायों के प्रति, खेल के प्रति, आने वाली पीढ़ी के प्रति, स्कूल के प्रति नहीं होता तो ये काम नहीं होते होते हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना शानदार कार्यक्रम आपने किया है, ये एक मिसाल है। आज नौजवान भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, माता बहनें भी हैं, गांव के बुजुर्ग भी हैं, तमाम लोग हैं, और आसपास के इतने सरपंच और इतने शिक्षाविद, हमारे अरविंद भास्कर जी भी बैठे हैं, तमाम सरपंच और हमारे पत्रकार बाबूलाल जी भी बैठे हैं। मैं समझता हूँ ये सारा का सारा संगम इसलिए बैठता है कि आपकी नियत अच्छी है, आपकी सोच अच्छी है, आप एक मिशन को लेकर के गांव के विकास के लिए, गांव की आने वाली पीढ़ी को कैसे हम लोग खेल के माध्यम से, बच्चों को कैसे सर्वांगीण विकास की ओर ले जाएं, ये जब चीज हो जाती है तो उसके बाद में कोई उसको रोक नहीं सकता है। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर गांव एकजुट होकर के गांव के विकास के लिए जाता है तो वो MLA हो, MP हो, प्रधान हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता है, कोई भी ना नहीं कर सकता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपका ये पवेलियन का काम भी इसी कार्यकाल में मैं और अमरा राम जी मिलकर के करेंगे, ये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। अभी एक बात और, मैं इस मौके पर, पवित्र मौके पर, खिलाड़ियों का है लेकिन ये इलाका हमारे फौजियों का इलाका भी है, गौरव सेनानियों का भी है, हमारे बेटे किसी न किसी घर से जाकर के सीमा पर सेना के रूप में कार्य करते हुए देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसलिए मैं इस मौके का लाभ उठाते हुए घोषणा करना चाहता हूं कि हम लोग हमारे विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ शहर में, जहां भी उपयुक्त जगह होगी, हम लोग हमारे फौजियों के लिए, हमारे गौरव सेनानियों की बात को ध्यान में रखते हुए, हमारे एक्स फौजियों का जो संगठन बना हुआ है उसकी बात को ध्यान में रखते हुए, हम एक युद्ध स्मारक बनाएंगे जिस पे हर लोग जाकर के माथा टेके, जैसे गोगा जी और बालाजी या किसी भी हमारे देवता के टेकता है, तो उसके लिए 50 लाख रुपए हम लगाएंगे और ये युद्ध स्मारक बनाएंगे। एक ऐतिहासिक युद्ध स्मारक होगा जो हमारे लक्ष्मणगढ़ में जल्दी ही हम लोग इसी सत्र में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग राष्ट्रीय संगठन नई दिल्ली, मिस्टर रविंदर सिंह जी तोमर अध्यक्ष, और ब्रांड एम्बेसडर रोहितास कुमार गुजर के निर्देश में मैं मिस्टर महादेव सिंह शेखावत ग्रीवेंस अधिकारी सीकर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आसाम राइफल्स के जवान, जो अप्रोक्सीमेटली 10 जवान अभी हम छुट्टी पे हैं, और हमारे ग्राम जालसर में गोगा पीर मेला लगता है उसमें से भी छुट्टी पर आए हुए हैं। तो मेरे दाईं तरफ मिस्टर राम सिंह जी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, और बाईं तरफ मिस्टर गिरधारी जी कर रहे हैं, मिस्टर धर्मवीर सिंह, भवानी सिंह, सतपाल आदि सभी जवान कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोई ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आगाज नहीं है,
राज्य स्तरीय खेल की प्रतियोगिता का यदि आगाज हो उससे भी बड़ा आपने आगाज इस ग्राम पंचायत के लोगों ने आगाज किया है, उसके तमाम ग्राम पंचायत आगाजी को सम्मिलित करते हुए आपको बहुत धन्यवाद ज्ञापित इस बात का करना चाहूंगा कि सब जमीन से ऊपर उठ के मैं कई बार कहा करता हूँ बंधु ऐसे जब कार्य करवा करते हैं खेल का कोई आगाज या समापन हुआ करता है या रात्रि संध्या हुआ करती है, ये कार्यक्रम दलों से ऊपर उठ के हुआ करता है कि इसमें गांव की तमाम जनता जनार्दन शामिल हुआ करती है, तो आप लोगों ने इस बात की मिसाल कायम की कि सब लोगों को शामिल करते हुए इस आगाज को आपने संपन्न करने की कोशिश की है। और मैं लोगों से भी कहना चाहूंगा बंधु जब तक आपका 3 दिवसीय कार्यक्रम चले समापन तक इस काम की मिसाल रही है कि आज तक के कार्यक्रम आपने जब तक भी किए हैं बहुत शानदार और जानदार किए हैं, इस गांव में विकास भी बहुत हुए निसंदेह सब लोगों ने जिसकी जैसी श्रद्धा थी चाहे गांव का कोई भरोसा हो चाहे आपका इस अंचल के सामान्य रिपोर्टर दिलराज के साथ में बने रहो जुड़ा रहो और थरो प्यार प्रेम है जो बनाए रखो धन्यवाद।